सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज यमुना लिंक को लेकर पंजाब सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पंजाब सरकार का पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 असंवैधानिक है और इसे नहीं माना जा सकता। सतलुज यमुना लिंक नहर बंद कर रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब को एक तरफा कानून बनाकर राज्यों के बीच के जल बंटवारा समझौता रद्द करने का अधिकार नहीं है। वही अदालत के इस फैसले से नाराज पंजाब से कांग्रेस सांसद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनके अलावा पंजाब में कांग्रेस के सभी विधायकों ने भी उन्हें अपना इस्तीफा भेज दिया है। वही अदालत के फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का 2002 और 2004 का फैसला प्रभावी हो गया है, जिसमें केंद्र सरकार को नहर का कब्जा लेकर लिंक निर्माण पूरा करना है। आपको बता दें कि 2004 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने पंजाब विधानसभा में द पंजाब वाटर एग्रीमेंट टर्मिनेशन एक्ट पास करके हरियाणा को दिए जाने वाले पानी पर रोक लगा दी थी। तब अकाली और भाजपा ने भी सरकार का साथ दिया था। इस एक्ट का मकसद सतलुज यमुना लिंक प्रोजेक्ट को बंद करना था, जिसके तहत हरियाणा को पानी दिया जाना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब हरियाणा को फायदा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब पंजाब की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां विपक्ष कोर्ट के फैसले से काफी नाराज है, तो वहीं पंजाब सरकार ने भी पानी को लेकर सख्त कदम उठाने की बात कही है। देखते रहिए डीबी लाइव।